बिंगाबाद प्रखंड के ताराजोरी पंचायत के तिलेबौना में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अनियमितता को देख ग्रामीणों ने तालाब निर्माण का कार्य रोक दिया है। इस बाबत रविवार को महालाल मुर्मू, कमल सोरेन, मनोज मरांडी, विनोद बेसरा सहित दर्जनों जनजातियों ने बिचौलियों और प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि कार्यस्थल का चयन बिचौलियों ने अपने फायदा को देखते हुए बीच जंगल में की है। जहां तालाब बनाया जा रहा है उसके अगल बगल एक भी किसानों का खेत नहीं है। किसानों के इस अमृत सरोवर के तहत बन रहे तालाब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उक्त स्थल पर पूर्व से ही तालाब बना हुआ था और उसके नीचे 3 तालाब और बने हैं। पुराने तालाब को ही नवनिर्मित तालाब का रूप देकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। वन समिति के सचिव ने कहा कि वन समिति बनाने से क्या फायदा जब समिति को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बिचौलिए के माध्यम से तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे तैसे मिट्टी कटवा कर इधर उधर फेंक दिया जा रहा, बस तालाब बनाने के नाम पर राशि की बंदरबांट हो रही है। तालाब की प्रकलित राशि किस मद से और किसकी देखरेख करने वाला कौन विभाग है, समिति को भी जानकारी नहीं है और ना ही समिति की कोई सहभागिता है। कहा कि अधिमानता की अवहेलना हो रही है। हम जनजातियों को इस कार्य से उपेक्षित किया गया है। उपायुक्त को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कार्यस्थल का जांच पुनः करा ले। अधिमानता के तहत काम नहीं की गई तो हम जनजाति सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। जी बताइएगा। ग्रामीण के द्वारा हम भी आए हुए हैं जी। तो ग्रामीण हम भी एक हिस्सेदार हैं पंचायत का जी। तो नाम तो शामिल हेमरम हुआ जी। और ग्रामीण लोग के द्वारा हमको खबर दिया गया कि जो ये तालाब बांध सरोवर का जो बन रहा है यहाँ का, तो बोर्ड में दिखाया दे रहा है कि यहाँ वीडियो लोग भी आए थे, मुखिया जी लोग भी आए, बहुत लोग आए थे, लेकिन ग्रामीण बाहर बाहर से लोग आए हैं जी, लेकिन गांव का लोग या ग्रामीण लोग को अभी तक पता नहीं है यहाँ पे जो कार्य चल रहा है। हाँ, जो कार्य चल रहा है गांव का लोग, प्रधान का लोग, यहाँ प्रधान लोग है, ये लोग को पता ही नहीं है। ग्रामीण लोग को भी पता नहीं, ग्रामीण प्रधान लोग को पता ही नहीं। ये तो बहुत ही दुखित की बात है जी। जी बताया जा रहा कि यहाँ पे पहले तालाब बना हुआ था। हाँ, ग्रामीण लोगों का कहना तो है यहाँ पे पहले से तालाब बना हुआ है। आप भी तो ग्रामीण हुए ना ये? हम भी ग्रामीण हैं जी। और अभी तो देखने में हम तो देखे नहीं थे, लेकिन ये लोगों का कहना कि बना हुआ था पहले जी। तो ये तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बना हुआ है, ये तो बहुत ही, इस पर जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए है ना। और बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही नुकसान का बात है, यहाँ गाय बैल आने के लिए धस जाएंगे वो लोग, तो इसीलिए इसको जांच किया जाएगा जी। क्या बता रहे हैं जी इस तालाब के विषय में जी? हम लोग गवर्नमेंट जानता, इस तालाब के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं जी। ग्राम सभा हुआ क्या नहीं हुआ आपको जानकारी नहीं है? कोई जानकारी गांव का किसी का जानकारी नहीं है। हम लोग अपना पूछताछ करते हैं गाँव वाले से जी, किसी आदमी नहीं बताता कि मैंने इसके बारे में। तो ये कहाँ के लोग बना रहे हैं? ये बाहर का लोग आए हुए क्या बनाने के? कैसे जानेंगे उस चीज को? आपके गांव से कोई नहीं है? नहीं, हमारे गांव से कोई है, गांव से नहीं रहता तो यहाँ कैसे काम होता? मतलब कोई आप ही के गांव का है? लेकिन हमारे गांव से कोई है जी। तो उसके दरमियान हम लोग सोचे कि भाई ये कौन ऐसा स्कीम है जो कि हम लोग गाँव का गर्मी आज तक जानकारी नहीं हुआ। इसमें देखते हैं कि मैंने गौ गुरु इधर हम लोग को हर समय रहता है जी, जिस तरह से गड्ढा कर दिया गौ गुरु भी गिर के यहाँ मर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए गर्मी न को हम लोग अपना राय मशवरा किए जी कि मैंने इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी करना है और कैसे करेंगे कि पहले काम को रोक देंगे हम लोग जी। जी तो यहाँ पे कोई रहते होंगे ना, कार्य देख रहे होंगे? कोई नहीं है, कोई नहीं ना यहाँ रहता है। अच्छा, इसी मेरे पंछी की जैसा कहीं से उड़ के आ जाता है, देखते हैं उसे घूम के चले जाता है। तो यही मुद्दा लेकर के हम लोग यहाँ आए और इस तालाब में काम को रोक दिए कि हमारे गांव गुरु भी यहाँ। आप इस गांव के ग्रामीण हुए हैं ना? सरा में माना ये तालाब तो पुराना तालाब, आज का तालाब नहीं है। अच्छा, ये पुराने तालाब में काम किया जा रहा है? तालाब में काम कर रहा है। यही साहब हम लोग अपना में छानबीन किए जी, और छानबीन करके यही सोचे कि भाई ऐसा कैसे होता है, कहाँ का नीति नियम ये है। ये तो काफी गड्ढा किया दिया गया है, तो पहले से गड्ढा इसमें कितना बोले 2 फीट गड्ढा हुआ ना। अच्छा, सिर्फ 2 फीट ही गड्ढा करने के बाद ये तैयार हो गया? बस यही मुद्दा लेकर के हम लोग यहाँ आए और काम को रोक दिया। क्या नाम हुआ आपका? कमल देव सोरेन। आपका घर? तिलेबौना। तिलेबौना, बताइएगा आप लोग जमा हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है सर जी, यहाँ जो तालाब बन रहा है, ग्रामीण लोग को किसी को पता ही नहीं है। अच्छा,
किसके अध्यक्षता में चुनाव हुआ या ग्राम सभा हुआ किसी को पता ही नहीं है जी। और दूसरी बात है कि तालाब बन रहा है तो फॉरेस्ट एरिया में ही बन रहा है। अच्छा, और फॉरेस्ट एरिया में बन रहा है तो मैंने उसमें हमको सचिव चुना गया है जी, तो हम लोग से भी सहमति नहीं लिया है, ग्रामीण से भी। आप लोगों को जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। अच्छा, और क्या बोले आगे देखिए, किनके द्वारा किया जा रहा है ये इनका अमृत सरोवर योजना काम हो रहा है जी। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ कितना का एस्टीमेट है ये भी गांव वालों को पता नहीं है। अच्छा, तो बोर्ड तो लगा होगा ना यहाँ पे? आप देखिए ना यहाँ, खुद आप देख लीजिए ना यहाँ पे भी। बोर्ड में भी राशि नहीं दिया गया? नहीं, नहीं लगा हुआ। अच्छा, बोर्ड में नहीं दिया। और दूसरी बात, यहाँ मात्र 2 फीट गड्ढा हुआ, पहले से भी तालाब यहाँ कूड़ा हुआ था। ये किनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है वो भी पता नहीं, उसका भी जानकारी नहीं। तो आप लोग यहाँ ग्रामीण यहाँ जमा हुए हैं, जानकारी तो आप लोग को होना चाहिए। जानकारी अगर आता तो हम लोग अभी तो ये आपका अमृत सरोवर बन चुका है, इसका इस्तेमाल आप लोग कैसे करेंगे? क्या बोले सर? ये आपका अमृत सरोवर जो बन चुका है अभी जी, इसका आपका इस्तेमाल कैसे होगा? हम लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब हम लोग को जानकारी चाहिए, ग्रामीण लोग को, मतलब कौन तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग? नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना, कुछ नहीं कर सकते, नुकसान है इसमें। क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे इसमें किसके अध्यक्षता में हुआ मतलब ग्रामीण को भी पता नहीं है जी। ठीक, अगर ऐसे अगर डायरेक्ट रूल है तो भी हम लोग को दिखाइए जी। वन समिति अधिकारी का सचिव हमको चुना गया है तो मतलब अगर वैसे रूल है कि मतलब बिना सहमति लिए उसका भी रूल दिखाइए। क्या नाम हुआ आपका? महालाल मुर्मू।